पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के बीच हिमालय से चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में तापमान का पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। आलम यह है कि कई इलाकों में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही शीतलहर चल रही है। इससे प्रभावित इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश के आसार हैं। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे इलाकों से आगे बढ़ने की संभावना के बीच अगले 3 से 4 दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं पहाड़ी इलाकों से चल रही बर्फीली हवाओं का असर मैदानी इलाकों पर साफ दिख रहा है। मैदानी इलाकों में तेजी से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली NCR में ठंड का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। हालांकि अभी भी ठंड उतनी नहीं है जितनी दिसंबर के महीने में आमतौर पर होती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली वालों को अभी कड़कड़ाती ठंड के लिए इंतजार करना होगा। इस बीच मैदानी इलाकों में सुबह शाम को धुंध पड़ने और पहाड़ों में सुबह पाला पड़ने की संभावना है। कई जगहों पर तो अभी से कोहरे की मार भी पड़ने लगी है। सुबह के समय कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है जिससे यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। कोहरे की सबसे ज्यादा मार लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी पड़ रही है। कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं, इससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में जहां लगातार ठंड बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के राज्यों में आज भी बारिश का पूर्वानुमान है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब गहरे दबाव में बदल गया है और आज चक्रवाती तूफान मेंडूस में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार जैसे दक्षिणी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 11 दिसंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेत कई इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।